यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण के नाम पर हुई कथित धांधली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। हाई कोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार शिक्षक भर्ती को लेकर गंभीर हो गई है। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार शाम अपने आवास पर एक बैठक बुलाई, जिसमें उन्होंने मामले पर अपना स्टैंड साफ कर दिया। यूपी में 69,000 शिक्षकों की भर्ती के मामले में योगी सरकार ने बड़ा फैसला किया है। सूत्रों के मुताबिक सरकार मेरिट सूची को लेकर हाई कोर्ट का फैसला मानेगी और फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं देगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी कहा है कि आरक्षण का अधिकार मिलना ही चाहिए। 69,000 शिक्षकों से जुड़े मामले को सीएम योगी आदित्यनाथ खुद देख रहे हैं। हाई कोर्ट के आदेश के बाद सीएम लगातार मंथन कर रहे हैं। कोर्ट ने 2022 में आई मेरिट लिस्ट को रद्द करने और दोबारा लिस्ट जारी करने का आदेश दिया है, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। सूत्रों के मुताबिक सरकार 3 फॉर्मूले पर विचार कर रही है। हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएगी सरकार, साथ ही राज्य सरकार हाई कोर्ट के आदेश का पालन करते हुए नई मेरिट लिस्ट बनाने की तैयारी में जुट गई है। जिन शिक्षकों की नौकरी जाएगी उनका समायोजन यानी कहीं और एडजस्ट किया जाएगा। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने शुक्रवार को अहम फैसला सुनाया है। अदालत भर्ती परीक्षा में मेरिट लिस्ट को ही कैंसिल कर दिया, साथ ही नई लिस्ट जारी करने के आदेश दिए। कोर्ट ने साफ कहा है कि नई मेरिट लिस्ट में बेसिक शिक्षा नियमावली और रिजर्वेशन का पालन किया जाए। फिलहाल मामला ओबीसी और एससी आरक्षण में अनदेखी से जुड़ा है, लिहाजा सरकार फूंक फूंक कर कदम उठा रही है।